टाइगर जा रहा है, वो रुक गया टाइगर। इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन। वाओ, और थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे लो। वो देखो, वो पेड़ के पेड़ को स्क्रैच कर रहा है। तीसरी सफारी पीलीभीत की, और तीसरी में से दो बार हमने टाइगर साइटिंग करी है। राइट पे देखिए टाइगर पेड़ को स्क्रैच। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ओसी रोड पे वेट कर रहे हैं। इधर नीचे कैनाल में टाइगर्स बैठी हुई है। इसके थोड़ा सा आगे ले लो ना यार, आपने जूम कर रखा है ना। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, वाव दोस्तों, तो हमारी तेज उछल के भागी, पर हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। जबरदस्त एक्शन था। तो जब वो ऊपर पहुंच गई तो हल्का सा उसको ग्लिम्स हुआ। तो दोस्तों, एक बड़ा बढ़िया आइडिया मिला है अपना थंबनेल बनाने के लिए वीडियो का। वो ये है कि हमने पीलीभीत में देखे डेयर टाइगर। दोस्तों, लेफ्ट इधर जंगल के उस तरफ हमने वो टाइगर से ग्लिम्स देखी। हमें उम्मीद है कि वो टाइगर यहाँ से क्रॉस करेगी और ये राइट में कनाल है, यहाँ आएगी। बट जैसे ही हम यहाँ पे रुके हैं तो राइट साइड ये कनाल है जो नीचे है, और ये उसके उधर जंगल है, यहाँ से कॉलिंग हो रही है। तो इट सीम्स, अरे वो निकल गया आगे। ओ हो, करो 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 यार, दिख रहा आपको? चलो यार, चलो चलो भैया, अरे चलो यार। वो निकल गई ना, अरे यार वो हम। चलो ठीक है, चलो चलो चल भाई, चल यार गुरु, चलो। और भी सामने उठ, तो वो सामने टाइगर जा रहा है, वो रुक गया टाइगर। इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन। वाओ, और थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे लो। वो देखो, वो पेड़ के पेड़ को स्क्रैच कर रहा है। ओह जीसस, दैट्स वंडरफुल। ये तो मेल है ना? फीमेल है ये, पर ये बड़ी साइज की। थोड़ा सा आगे ले लो ना यार, आपने जूम कर रखा है ना। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, वाओ दोस्तों, तो हमारी तीसरी सफारी पीलीभीत की, और तीसरी में से दो बार हमने टाइगर साइटिंग करी है। राइट पे देखिए टाइगर पेड़ को स्मेल करता हुआ और मार्क करता हुआ। मेरे ख्याल थोड़ा सा और आगे ले, हल्का सा इधर इस तरफ को। अभी नहीं आएगी रोड पे, अब बढ़ाओ पानी के लिए। चलो 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 चलो, वो जो अपना पेड़ टर्न हो रहा है, टर्न ये सामने जो पेड़ है, यहाँ से वो नीचे उतरी है। तो वी हैड अ वेरी गुड ग्लिम्स, मजा आ गया उसको देख के। देख रही आपको? थोड़ा पीछे नहीं गए, यही ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ओसी रोड पे वेट कर रहे हैं। इधर नीचे कैनाल में टाइगर्स बैठी हुई है। हमने उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग करी है, चलते में भी, ट्री को स्क्रैच करते हुए भी, सेंट मार्किंग करते हुए भी। हमें उम्मीद है कि वो वापस ऊपर आएगी रोड पे। सो वी ऑल आर पेशेंटली वेटिंग हियर। हम लोग इधर आए थे, बहुत तेजी से चल के वो इधर आई ना, उधर भी अच्छी स्पीड पकड़ी हुई थी। हाँ, तो साथियों, कल के बाद दोबारा से टाइगर साइटिंग। कल की साइटिंग तो इट वाज ऑसम, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया साइटिंग है। दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा था कि जंगल में यू डोंट नो कि आपको कब कहाँ पे क्या मिलेगा। सारे दिन सफारी करिए, हिरन भी नहीं दिखेगा, स्पॉटेड डियर भी नहीं दिखेगा। बट व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग है ना, तो उस वक्त कब क्या होगा पता नहीं। जो हमने अभी टाइगर्स देखी, विदाउट एनी कॉल निकल के जंगल से आ गई। उसके बाद एक ज़बरदस्त कॉल भी हमने सुनी, वो दूसरे टाइगर की थी शायद, बट इसको हमने इसको फॉलो किया। फॉलो मतलब उसका जो पाथ हमने डिसाइड देख लिया कि इधर जा रही है। सो हमने दूसरी तरह से वहाँ आए, और अल्टीमेटली वी हैड अ गुड ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स स्क्रैचिंग ट्री।
एंड मार्क सेंड मार्किंग एंड फाइनली वो नीचे कनाल में, ये कनाल जो पीछे इसमें उतर गई, अब वो डायरस वहाँ बैठी है, हमने उसकी बैठी को भी कैप्चर किया है, बट वी डोंट नो कि वो कब तक वहाँ से बैठी रहेगी, कब उठेगी। तो थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे और अगर वो ऊपर आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वी मूव फॉरवर्ड। सो बने रहिए, लीजिए हमारे इस व्लॉग का मजा। दोस्तों जब टाइगर दिखता है ना तो कुछ ऐसा सीन हो जाता है जंगल में, ये देखिए एवरीबॉडी इज वेटिंग पेशेंटली। इंतजार इंतजार हो रहा है शेर टाइगर्स का कि वो कब पानी से उठेगी और ऊपर वापस रोड पर चलेगी। सो वेट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग चल पड़े ओसी रोड से, हमने टाइगर्स को देखा, वो पानी में बैठी थी लेकिन जैसे तीन चार जिप्सियां साइड में लग गई तो उसको शायद वो डर गई या क्या, उसे तेज उछल के भागी पर हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। जबरदस्त एक्शन था, तो जब वो ऊपर पहुंच गई तो हल्का सा उसको ग्लिम्स पकड़ पाए क्योंकि शी वॉज वेरी फास्ट, ऐसा उछल के छप छप पानी से उछालती भागी है वो, देखने वाला सीन था। तो देख तो लिया, आंखों ने कैप्चर कर लिया, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। चलिए स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इधर मेल और मतलब रॉकेट और भाई मेल ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फीमेल कम एक्टिव रहती है जी, बट आज उसी एरिया में फीमेल एक्टिव फीमेल है। सो अगेन हम बाइफर्केशन में पहुंच गए, वो भागने वाली वो नहीं यार, वो निकल गई, कोई रेडी नहीं था भाई, हां एक्टिव नहीं था उसके लिए। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि वो वीडियो बनाया टाइगर जो भागती थी, नहीं सभी की वो मिस हो गई, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो पाएगा, उसका बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसे जबरदस्त भागी। तो दोस्तों ये एक देखिए व्यू, साइफन पे हमें एक सुंदर व्यू और ये मचान जिस पर से लास्ट टाइम मैंने काफी वीडियो बनाए थे। वाओ दिस इज दोस्तों एक बढ़िया सी टाइगर साइडिंग करने के बाद अब हम लोग फिर चल पड़े हैं कच्ची पटरी पे, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट सुन रहे हैं कि मूवमेंट है तो इसको ट्राई करते हैं। तो कच्ची पटरी पे टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने टाइगर ट्रैक किया उसमें मेरे को एक परसेंट ये डाउट हो रहा है कि शायद जो मेरी वॉइस थी उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, मुझे लगता है कि मेरा माइक उसे ऑफ हो गया था। तो जो एक्साइटमेंट पार्ट जो जब टाइगर दिखता है तो एक वॉइस में ऐसी एक्साइटमेंट हो जाती है जो आप वॉइस ओवर में नहीं कर सकते। सो टाइगर बहुत अच्छा दिखा, उसने पेड़ को स्क्रैच किया, सेंट मार किया, चला और उसके बाद पानी में बैठ गया, पानी से बैठ के भागा के, तो ये सारी मूवमेंट हमने देखी। बट उसमें हो सकता है कि शायद आप लोगों को आवाज़ मेरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो जो मैं बोल रहा था वो नहीं मिलेगी, तो उसको वॉइस ओवर से उसको कोशिश करेंगे मेक ओवर करने का। तो चलिए बने रहिए, अब देखते हैं कि हमारे को कच्ची पटरी में क्या देखने को मिलता है। राइट साइड पे ये पीछे पेड़ों के पीछे अच्छा खासा ग्रास लैंड है, हम चल रहे हैं कच्ची पटरी पे, राइट साइड पे शारदा मेन कनाल, बेहतरीन जंगल के बीच से गुजरते हुए। अफसोस रहेगा जो टाइगर्स देखी बट मेरा माइक ने गड़बड़ कर दिया, ऑफ हो गया, तो जो एक्साइटमेंट वाली जो वॉइस होती है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। खैर एनीवे टाइगर तो देखा, तबीयत से देखा। पीलीभीत में कितने टाइगर हो गए अभी लास्ट सेंसस? 71 प्लस टाइगर, बच्चों को तो नहीं, कब्स तो नहीं गिनते ना,
माननीय बच्चों को 2 साल या 18 महीने तक काउंट नहीं करते। अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 10-12 बच्चे तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आराम। तो मतलब नियरिंग 100 100 के आसपास यहाँ पे टाइगर का काउंट हो रहा है। ये कौन सी मचान दिख रही है भैया? 12 सिंगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उधर भी जाएंगे ना? हाँ। ये 12 सिंगा ताल का नज़ारा, वो मचान है, इस पर मैं ऊपर गया था लास्ट टाइम, और पानी देखिए क्या बढ़िया मस्त बहता हुआ। तो आज दोस्तों फिर इवन स्पॉटेड डियर भी नहीं दिख रहे हैं, जिसको दिख रहा है टाइगर ही डायरेक्ट दिख रहा है। और मेरी आवाज़ इसको जो लड़खड़ती सी आ रही है, बस कच्ची ट्रेल पे चल रहे हैं, झटके लगते हैं तो आवाज़ ऐसे ही निकलती है, तो प्लीज़ बियर विद दैट। चलती है पक्की पटरी की तरफ, सुना है वहाँ भी टाइगर मूवमेंट है, यहाँ भी हम रुके थे 2-4 मिनट के लिए, यहाँ भी मूवमेंट थी टाइगर की, लेकिन वो भी अंदर निकल गया। सो फिलहाल चलते हैं पक्की पटरी पे, यानी कि नहर के अदर साइड, तो सामने उसे क्रॉस करेंगे, वहाँ पर ट्राई करेंगे टाइगर को लोकेट करने का, क्योंकि आज जंगल में बिल्कुल शांति है, कोई स्पॉटेड डियर, कोई सांभर, मतलब कुछ भी खास साइटिंग नहीं हो रही है, एक्सेप्ट जिसको दिखा टाइगर ही दिखा है, इंक्लूडिंग अस। तो चलिए ट्राई मारते हैं, ये मजा कौन से सब में। अच्छा अच्छा, ये हाँ, ठीक है ठीक है, ये मचान है, ये तो पब्लिक रोड है। ये देखिए यहाँ से ट्रक जा रही है, यहाँ अजीब तरह का जंगल है। अब हम ये जंगल से निकल के आ गए, ये पब्लिक रोड आ गई, दूसरे से थोड़ा आगे चलेंगे फिर हम जंगल में एंटर कर जाएंगे। सो दिस इज द सीन, यू नो, शारदा कैनाल फॉर यू। रितेश ने गेट खोल दिया, अब पीछे जो गाड़ी आ रही है वो उसको बंद करेगी, अगर कोई गाड़ी नहीं आती तो हमें बंद करना पड़ता। तो अभी हम आगे जाएंगे, पुल क्रॉस करेंगे, वो सामने जो पुल दिख रहा है उसको क्रॉस करके इस तरफ चल जाएंगे रोड के। ये है पक्की पटरी, ये पुल है जो तकरीबन 100 साल हो गए बने हुए, जो हर बार मैं बताता हूँ अंग्रेजों के ज़माने में बना, अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। सी द अमाउंट ऑफ वाटर क्रशिंग आउट यार। यहाँ पे आते ये मल्टी एक्सल ट्रक है, ये थोड़ा सा इनको काटने में दिक्कत होती है, ज़्यादा टर्न कर दिया बाहर। हाँ, ये वापस करेगा इसको, थोड़ा फिर चलेगा, एंड बहुत ज़बरदस्त लोडेड है। नाल का एक बेहतरीन व्यू, लाल कुआं पुल से। तो मैं आपको बता रहा था जैसे अजीब सा ही जंगल है, कहीं पब्लिक रोड, कहीं जंगल, कहीं पे टाइगर। अब ये आप जो आ गए हैं निकल के, ये है चूका, चूका इको टूरिज्म स्पॉट। तो यहाँ हम अभी जाएंगे अंदर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, फिलहाल हम जा रहे हैं, ये आ गए हम पक्की पटरी। ये टावर है जी, यहाँ पे कितना शोर की आवाज़ हो रही है, इस टावर पे लोग हैं, 4 लोग ही जा सकते हैं। यहाँ से ये आप देखें लेंस, यहाँ जंगल में टाइगर बैठा है और नीचे दिख रहा है, बट पीपल यू नो दे आर बिहेविंग लिटिल सेल्फिशली, 4 से ज़्यादा जा नहीं सकते ऊपर, अलाउड नहीं है, पर ये लोग आने को तैयार नहीं है। एक खूबसूरत नज़ारा, ज़बरदस्त बहता हुआ पानी, लोगों की आवाज़ आपको बता रही है कि यहाँ पे काफ़ी जिप्सियाँ रुकी हुई हैं, जो टाइगर बैठा है नीचे ग्रास लैंड में उसको देखने के लिए। तो जब हमारा नंबर आएगा ऊपर जाने का तो चलेंगे, तब तक के लिए सुंदर नज़ारा आप लोगों के लिए। वाह, आपको दिखा टाइगर?
साफ दिख रहा है, दिख रहा है। आप भी जाइए जी, वो आए तो हम जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है जी। तो ये है जी कुछ नजारा ऐसा यहाँ पे, यहाँ पे उतरना अलाउड है तो हम लोग खड़े हैं। सारी टिप्स यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पीछे इधर पीछे टाइगर बैठा हुआ है जिस पर जहाँ से दिखेगा। तो अभी देखते हैं कैसा सीन बनता है, अभी चलेंगे ऊपर, हम भी अपना नंबर लगाएंगे। नहीं यार यहाँ बता रहे कि वो पड़ा हुआ है, अगर दिख गया तो दिख गया वरना कोई गारंटी नहीं। ये है दोस्तों, तो हम मचान के ऊपर है, ये वाला टाइगर यहाँ बैठा हुआ है, बड़ा ही काफी दूर है लेकिन जरा सा है। पूरा एफर्ट किया मचान पे चढ़े, दो स्टोरी टाइगर दिखा भी लेकिन काफी दूर है। चलिए सेव बाय, अभी तक हम लोगों ने देख लिया डेड टाइगर। रितेश जी सही किया था, हमने देख लिया डेड टाइगर। मतलब एक तो हमने बहुत बढ़िया साइटिंग करी और दूसरा देखा दूर से, तो उसको हम गिन रहे आधा। चलो ठीक है, अभी गॉड विलिंग हमें ढाई हो जाएंगे थोड़ी देर। अब देखिए आप बने रहिए मेरे साथ, लीजिए हमारी अच्छी अच्छी बातों का मजा। तो साथियों ऐसा लग रहा है कि आज जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं सारे के सारे स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने ह्यूमन का बायकॉट कर दिया, बॉयकॉट कर दिया है और सब अंदर जंगल में कहीं बैठे हुए हैं, कोई साइटिंग नहीं है। इवन स्पॉटेड डियर नहीं दिख रहे हैं जो कि हजारों की तादाद में यहाँ पे हैं, उनकी भी साइटिंग नहीं हो रही है। और भी जंगल भी बहुत दिखता है लेकिन कोई बात छोड़ो। तो हाँ पीकॉक बहुत दिखे हमारे को आज, और जंगल का राजा टाइगर। चलिए तो अब चल रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में चलेंगे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन रहता है। कुछ इस तरह का नज़ारा, अच्छी खासी धूप निकल आई है, नीला आसमान, शारदा कैनाल जो मेरी बहुत फेवरेट है, मेन कैनाल है ये, ज़बरदस्त से पानी बहता है। ये कोई बर्ड आगे उठता हुआ, चल यार तेरी साइटिंग सही। दोस्तों तो हम चल रहे हैं जंगल की इस ट्रेल पे, दोनों तरफ साल का जंगल, सामने दिखती है एक छोटी सी मचान जो मुझे लगता है कि अब शायद यूज में नहीं है। तो रेश इस जंगल को, इस रोड को क्या बोलते भैया? ढेला रोड। ढेला रोड, तो हम इस वक्त हैं जी ढेला रोड पे, तो ढेला रोड से हम जा रहे हैं ग्रासलैंड की तरफ। तो बिल्कुल जंगल शांत है, कहीं से कोई आवाज नहीं है, इवन पक्षियों की भी आवाज नहीं है। दोस्तों तो ऐसा है कुछ ज़्यादा ग्रासलैंड का, ये पीसेस में आएगा, अभी लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, सामने जंगल, तो कभी जंगल आएगा कभी ग्रासलैंड आएगा, तो ऐसे करते हुए हम चलेंगे और उम्मीद है कि हम यहाँ पे टाइगर स्पॉट करेंगे। फिलहाल तो किसी तरह का कोई साइन नहीं है लेकिन यू नेवर नो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ जंगल में आपको नहीं पता कि कब क्या होगा। कल जो मैंने साइटिंग करी थी किशनपुर में वो इसी तरह का एक ट्रेल था, तो दोनों तरफ ऐसी घास थी, बीच ट्रेल में ऐसे टाइगर बैठा था, ह्यूज मेल टाइगर जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा। जंगल में एंटर करेंगे ग्रासलैंड से निकलकर, तो दोस्तों ये है भीला ग्रासलैंड जो हमने टाइगर मचान से चढ़ के देखा था, वो इस तरफ था यहाँ सामने इधर।
तो अगर वो टाइगर वहाँ से उठेगा तो वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा, इधर आएगा, और टाइगर को रोड पे चलना बहुत पसंद है, साफ जगह पे। अगर वो वहाँ से उठा तो फिर वो डेफिनेटली यहाँ आएगा। तो हम यहाँ 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे, अगर कोई मूवमेंट रहेगी तो ठीक, नहीं तो आगे चलेंगे। सो लेट अस वेट पेशेंटली, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना भी एक बहुत अच्छी आदत है और सब्र का फल ऑलवेज मीठा। लेट अस सी आज हमारा फल कैसा रहता है। दोस्तों हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ग्रासलैंड में, हमने जिप्सी कोने पे रोकी हुई अपनी, और सामने दिखता हुआ एक बड़ा ग्रासलैंड। अभी हमारे लेफ्ट से इस तरफ से इधर से अभी कॉल हुई थी, बट एक बार होके फिर बंद हो गई, बट वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सो वी वेट हियर। सो दोस्तों हम ग्रासलैंड के किनारे पे रुके हुए हैं, और हमारे लेफ्ट से इस तरफ से इधर से अभी एक बार कॉल हुई थी और उसके बाद वो कॉल बंद हो गई। ये वही जगह है जो उस तरफ, वो सामने जो ट्री लाइन देख रहे हैं, जो हमने मचान से टाइगर एक ग्लिम्स देखी थी, वो टाइगर इधर ही कहीं बैठा हुआ है। तो अगर वो वहाँ से उठा तो वो यहीं से चलता हुआ, ऐसे उम्मीद है कि ग्रास लैंड से होता ये ट्रेल को क्रॉस करेगा, क्योंकि टाइगर को साफ जगह पर चलना बहुत पसंद है। तो हो सकता है कि वो इस ट्रेल के ऊपर सीधा चलता जाए। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो वी हैव टू वेट। सो वी आर वेटिंग हियर, इंतज़ार करेंगे। अच्छा खासा बहुत छाए में गाड़ी रुकी है, बहुत प्लेजेंट है यहाँ पे। धूप में ऑफकोर्स गर्मी है, लेकिन हम छाए में खड़े हुए हैं और चारों तरफ ट्री लाइन के बीच में बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। ये देखिए, ये पूरा पीछे ग्रासलैंड है, वो सारा पीछे वो इधर ये सब ग्रासलैंड है। सो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। रितेश क्या बोलते हो, आएगा? सर कह नहीं सकते, आगे बारे में तो कह नहीं सकते। रितेश कह रहा है वो लेट गया ना। हाँ रितेश कह रहा वो लेट गया है, तो कह नहीं सकते, सुबह काफ़ी चला था वैसे वो। हाँ चलिए, लेट अस वेट। देर इंतजार करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं, अब एक इस ग्रासलैंड का जो दूसरा एंड है वहाँ एक मोड़ पे हम रुकेंगे, और वहाँ थोड़ी देखेंगे कि हमारा लक कुछ साथ देता है क्या, हम स्लाइडिंग कर पाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, लीजिए खूबसूरत ग्रासलैंड और जंगल का मजा। इधर भी बढ़िया ग्रासलैंड है, पीछे ट्री लाइन, जबरदस्त जंगल। दोस्तों ये जो वॉश टावर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये फॉर स्टाफ है, ये टूरिस्ट के लिए परमिशन नहीं है इसमें चढ़ने की। मेरा ख्याल है इसका पेंट नया किया है, लास्ट टाइम इसका पेंट कुछ और था, पर दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। वाओ, ये है जो ग्रासलैंड जहाँ से हम होके आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं बारहसिंगा ताल की तरफ, चलिए वहाँ पर ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं बारहसिंगा ताल, इस मचान पे ऊपर गए थे, यहाँ से इस तरफ, यहाँ नीचे टाइगर बैठा जो दिख रहा था उसे, पर ये लोग अभी इस उम्मीद में तब से ही खड़े हैं कि शायद टाइगर उठेगा। हम काफ़ी लंबा चक्कर लगा के वापस यहाँ आ गए, सो अब हम भी खड़े हो गए क्योंकि अब सफारी का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो वी वेट हियर, शायद टाइगर दोबारा देखने को मिल जाए। यहाँ से कुछ खजा आवाज़ तो आ रही है यार, क्या है ये? बैठे आते हैं गाड़ी में, पत्तों की आवाज़ है। ओके राइट, मुझे ऐसा लगा अंदर से आवाज़ आ रही है। चलिए तो थोड़ी देर वेट करेंगे। तो दोस्तों अगर इस सफारी को मैं रेट करूं इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग, तो 100% सक्सेसफुल, बढ़िया साइटिंग। लेकिन अगर मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूं तो इसको मैं 50-50 मानूंगा, क्योंकि मुझे टाइगर नहीं, मुझे सब चीज़ें देखने का शौक़ है और मैं सब चीज़ें देखना चाहता हूँ, नॉट एनिमल। मुझे जो यहाँ के फूल पत्ती पेड़ जंगल जड़ी बूटी एवरी डैम थिंग आई लव, मुझे उन सब देखने का इंटरेस्ट है। तो इसको 50-50 मानेंगे क्योंकि सब कुछ तो देखा,
लेकिन बाकी किसी एनिमल की साइटिंग नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग इट इज 100%, वी हैड अ वेरी गुड ग्लिम्स। चलो भाई अब हम यहाँ से चलने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों एक बड़ा बढ़िया आइडिया मिला है अपना थंबनेल बनाने के लिए वीडियो का, वो ये है कि हमने पीलीभीत में देखे डेढ़ टाइगर। अब डेढ़ टाइगर कैसे देखा ये वीडियो देखने में पता लगेगा आप लोगों को। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डेढ़ टाइगर हमने कैसे देखा। तो दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा पक्का। चलिए दोस्तों तो जोक सपाट, अभी टाइम हो गया तकरीबन 9:15। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइम 9:30 तक हमें बाहर निकलना है। कुछ लोग तो अभी वेट कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे चल पड़े। सो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल, एंड जय हिंद फ्रॉम पीलीभीत टाइगर रिजर्व। मी एंड रितेश साइनिंग आउट।